नमो नमो नमः अंशु जी, कैसे हो आप? कथम आसीत उत्तमम उत्तमम। आज कक्षा मतलब अभी भी है, अभी 10 मतलब आधा घंटे का ब्रेक में, तो आधा घंटा सोचा मैं इधर ऐसा आज थोड़ा देर ऐसा देख लूं, बाकी तो अभी वापस कक्षा सा अभी होगी 7:30 को। अच्छा, आपकी कक्षा क्या कॉलेज की? हाँ, क्लासेस की अभी प्रीलिम्स वो सब चल रही है ना, अभी 2 महीने में एग्जाम है ना, अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल 22 को से चालू हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कक्षाएं बढ़ा दी गई है। उसके लिए भी मंत्रा की क्लास में भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और संडे और इसकी वीकेंड की कक्षा तो रोज होती ही है, 3 से 6 और 7 से 9, मतलब अभी आपका ब्रेक मिला है 20 मिनट का, उसके लिए इधर थोड़ा सा चक्कर मारने आया। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। जितनी देर जहां जहां से ज्ञान मिलता जा रहा है बटोरते जा रहे हो आप। सर्वेशाम नमो नमः। नमो नमः मुआ जी। सर्वेशाम नमो नमः। नमो नमः मुआ जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मम जवनी का। शेयर के लिए हमने क्या लिखा था मोहा जी, आपको याद आया क्या, या हमने सिर्फ सोचा था और लिखा नहीं था? नहीं, हमने नहीं मिल पाया था शब्द में। हाँ, क्योंकि एक शेयर तो भाग होता है किसी चीज का हिस्सा, तो वो मिला था हमें, हमको मिला बट था, ये शेयर तो करने वाला शेयर नहीं मिला था। तो उसके लिए ना बांटना हमको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बांटने का भी वो डिवाइड करने वाला बांटना भी आ सकता है। फिर भी एक बार मैं अंतिम प्रयास करके, नहीं अंतिम तो खैर कभी भी नहीं हो सकता, पर एक प्रयास करके देखता हूँ बांटना। तो बांटने में भी यदि शेयर मिल जाए तो भी चलेगा। नहीं, बांटने के बारे में नहीं है इसमें। अरे हाँ, वितरणम। हाँ, तो अब ये वितरणम मान सकते हैं, एक विभाजनम है जो बांटना डिवाइड करने वाला है, और वितरणम शायद शेयर के लिए चल जाएगा। तो अब हमारा वाक्य क्या था, हम बोलना क्या चाह रहे थे, यही बोल गए। हाँ महोदय, हाँ महोदय, जी आचार्य महोदय, कुत्र अस्ति? अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, इदानीं आगच्छति। मम ध्वनि। हाँ, भवत्याः वाणी शृणोमि इदानीं। सो भवत्याः वाणी, तो अब जो मम ध्वनि कह रही हूँ उसको मम वाणी कह सकती है, तो सही हो जाएगा। तो आज ये कहाँ गए अरुण जी? और एक सेकेंड, असल में ना अरुण जी को
मैं अभी आई हूँ। आ तो गई। अच्छा वैसे आई है। मधु कर्कटिका अति मधुरम अस्ति। मधु कर्कटिका। हाँ अति मधुरम अस्ति। मधुरम अस्ति। अभी मधु कर्कटिका खा रही है क्या? मधु कर्कटिका खाद सिवा। हाँ उत्तमम उत्तमम। फेवरेट के लिए भी कुछ होता होगा, मन पसंद ऐसा कुछ, मनवांछित। वांछित इज वांटेड। हाँ पर मनवांछित मन की इच्छा के अनुरूप ऐसे के लिए भी उपयोग होता है। तो फेवरेट के लिए यदि हाँ प्रिय है। ओके मत सिंपल है तो मधु कर्कटिका मम प्रिय फलम अस्ति। प्रिय फलम अस्ति। फ फ बोलना आवश्यक है। इट्स नॉट फ। हाँ अरे वाह अरुण महोदय नमो नमः। आपको आवाज आ रही है? हाँ महोदय। हाँ महोदय। अस्तु अस्तु। मम जवनिका पश्यतु वा। पच्छामि पच्छामि महोदय। अस्तु तो मोहा महोदया मधु कर्कटिका खादति। तो सा वदति मधु कर्कटिका बहु मधुरम अस्ति। स्वास्थ्यवर्धक अस्ति। मधु कर्कटिका स्वास्थ्यवर्धक अपि अस्ति। अपि तो यहाँ पे अपि लगा सकते हैं हम कि अपि मतलब भी। मधुरम च एंड। हाँ तो एंड लगाएंगे तो एक ही वाक्य में उपयोग हो जाएगा कि मधु कर्कटिका मधुरम स्वास्थ्यवर्धकम च अस्ति। तो वो तो हो गया मधु कर्कटिका स्वास्थ्यवर्धक भी है और क्या है वो मीठी भी है। और किसी किसी वाक्य में आपको भी लगाने की यदि आवश्यकता लगे भी जो हम बोलते हैं ना मैं भी हम भी या ऐसा भी तथा अपि यथा अपि तो वहां पे अपि लगा सकते हैं। अरे यहाँ पे मोहा पिछली बार आम खा रही थी अभी मधु कर्कटी का खा रही है। मैं इतनी जल्दी आम कैसे खाऊंगी बिगर सीजन का। पिछले हफ्ते ये पिछले हफ्ते था। शुभम भी आम खा रहे थे आप भी आम खा रहे थे शायद एक दो हफ्ते पहले की बात। शुभम भाई आया नहीं अभी तो, आ गए आ गए। देखो आप जब एक से अधिक लोगों की क्लास में प्रवेश किए तो आप सीधे बोल सकते हैं सर्वेशाम नमो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेशाम नमो नमः। तो आपके लिए सब एक बार में हो जाएंगे। नमो नमः मोहा महोदय। जी नमो नमः शुभम महोदय। नमो नमः अरुण महोदय। नमो नमः मोहा महोदय। अभी अच्छा है महोदया। हाँ तो महोदया या फिर मान्ये मान्ये ये स्त्रीलिंग उपयोग है दोनों का सम्मान के साथ शब्दों का। और मान्यवर और मान्य। हाँ एक मिनट मधुकर कीटक छींक रही है क्या?
मान्यवार क्यों लिख दिया मैंने, एक मिनट, मान्यवर श्रीमान श्रीमती, हाँ लेकिन श्रीमती थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि श्रीमती कभी कभी विवाहित स्त्रियों के लिए भी यूज करते हैं, पर अभी के लिए चलेगा, मान्य काफी है। जैसे मान्य जो है ना, ये मिस जो हम इंग्लिश में लिखते हैं उस तरह का उपयोग है, और महोदया आसान है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि विवाहित है कि नहीं, महोदय और महोदय सुरक्षित है। जी तो मधुकर्कटिका मम प्रिय फलम अस्ति। अब यदि नवीन जी भी आ जाएं तो और बढ़िया हो जाएगा। मैं भी ये बोलने वाला था आज ना। हाँ, अधिकतर वो कभी कभी दस पांच दस मिनट के बाद आते हैं, एक तो वो अभी टेक्सास में है तो समय भी अलग है उनका, सुबह है। यहाँ पे अस्थि जो है ऑप्शनल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑप्शनल क्या बोलते हैं? प्रश्न पत्र में भी लिखा हुआ आता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, अथवा अथवा इज और, हाँ अथवा इज और, बट ऑप्शनल इज अ नाउन, तो नाउन अथवा के जगह हम कोई नाउन कैसे, एक मिनट रुको, शब्दकोश में शायद होगा, देखते हैं। देखो आप लोग भी अपने अपने शब्दकोश मंगा लो संस्कृत भारती से, बहुत ही उपयोगी चीज है। विकल्प, हाँ तो ऑप्शन तो विकल्प है, विकल्प विकल्प, हाँ करेक्ट करेक्ट, विकल्प, पर ऑप्शन विकल्प है। ऑप्शनल को हम किस तरह से बोलेंगे? वैकल्पिक, वैकल्पिक, हाँ। तो अस्ति जो है कई वाक्यों में वैकल्पिक है, वैकल्पिक संस्कृत शब्द है, तो वैकल्पिक हिंदी में भी उपयोग होता है, संस्कृत में भी उपयोग होगा, तो हम इतना भी बोल सकते हैं, मधुकर्कटिका मम प्रिय फलम। चलिए तो अभी थोड़ा सा प्रश्नोत्तर करते हैं। किम प्रिय फलम भवतः शुभम महोदय? मधुकर्कटिका। भवतः प्रिय फलम मधुकर्कटिका अस्ति वा? अस्ति वा? देखो आपको मेरे प्रिय फल के बारे में बात नहीं करनी है, आपको अपना प्रिय फल भी बोलना है। आम्रम, आम्रम तरबुजम। हाँ तो आम्रम तरबुजम, तरबुजम के लिए हमने कुछ ढूंढा था क्या महोदया? तरबुज ढूंढा था वृत्त कर्कटिका। हाँ वो खरबूजा मिला था वृत्त कर्कटिक। हाँ। वो खर वो तो तरबूजम अब ढूंढ लेते। हाँ वृत्त कर्कटी जो है खरबूजा है, और एक मिनट वो स्क्रीन कहीं पे खुला भी हुआ है मेरे पास, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी?
कलिंगम कलिंगम हाँ कलिंगम 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 पंजाबी और... में भी कलिंगर बुलाते हैं हाँ, कलिंगर इधर भी बोलते हैं गुजराती में भी बोलते हैं महाराष्ट्र में भी बोलते हैं गुजरात महाराष्ट्र पंजाबी में कलिंगर बोलते हैं तो चलो इसी पृष्ठ पे लिखते हैं इसको भी कलिंगम वाटरमेलनम हाँ तो अभी वो राजीव मल्होत्रा जी की नई पुस्तक देखी है आपने संस्कृताइजेशन ऑफ इंग्लिश तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जब बहुत सारी चीजों में अंग्रेजी घुसा देते हैं तो हम बहुत सारी चीजों में अब संस्कृत भी घुसा सकते हैं वाटरमेलनम मिल्कम वाटरम गच्छामि गोआमि गच्छामि कमामि हाँ गच्छामि तो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत हो गई वो तो और अच्छा है पर ये मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी के शब्दों में भी आप बीच बीच में प्रदूषण कर सकते हैं वो एलिमेंट्स है ना एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम ऐसा आता है कैल्शियम सभी अम अम है हाँ हाँ कैल्शियम हीलियम इट्रियम जर्कोनियम सारे आते हैं हमको हाँ मैंने ये पीरियोडिक टेबल के बारे में भी एक बार रसायन शास्त्र का कुछ पढ़ा था कि वो जो सारे के सारे अणु परमाणु और ये हैं एलिमेंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स एलिमेंट्स को धातु धातु तो मेटल है धातु तो धातु मेटल है अधातु जो है नॉन मेटल से बट वो पूरा जो है एलिमेंट्स उनको क्या कहते हैं चलो बाद में सोचेंगे पर मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि मैंने रसायन शास्त्र का एक वीडियो आया था हिस्ट्री ऑफ थिंग्स का इंडियन केमिस्ट्री के ऊपर तो उसमें उन्होंने मतलब बहुत पहले कम से कम 10-20 हजार मतलब काफी वर्ष पहले हमारे जो ग्रंथ हैं वेद हैं वेद में और उससे मिलते जुलते रस रत्नाकर रस मंजरी ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो रसायन शास्त्र के ऊपर लिखे गए हैं और उसमें हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं सारे जो बाद अभी वो तो 19th सेंचुरी में इनने पीरियोडिक टेबल बनाया पर हमारे ग्रंथों में तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत पहले से हैं और सब उसमें सारे के सारे मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स पहले से पता थे हमारे वैज्ञानिकों को तो हिस्ट्री ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री तो वाला वीडियो ढूंढ के जो अपना ग्रंथालय हाँ वो एक स्तंभ भी है ना वो रस नहीं होता हाँ लौह स्तंभ के पास विष्णु स्तंभ और वैसे वो सारा एक टेंपल को गिराकर बनाया गया है उसको भी तो भास्कराचार्य ने ही बनाया था ना भास्कराचार्य वो कुतुब मीनार को भी उधर एक टेंपल भी था एक नहीं बहुत सारे टेंपल्स बोलते हैं वहाँ पे वहाँ पे वो एक किलर है वहाँ पे लिखा हुआ है कितने टेंपल्स हैं हाँ हाँ वो प्रवीण मोहन का आर्कियोलॉजिस्ट है ना हाँ हाँ उसका वीडियो में सभी बोलता रहता डिस्कवरी एक बार ध्यान में लाना पड़ेगा कि लौह स्तंभ भास्कराचार्य ने बनाया है या उन्हीं के समकक्ष किसी किसी और ने एक राजा थे जिन्होंने जो जानते थे कि मतलब वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने उनको बोला था कि आप एक याद रखने के लिए एक लौह स्तंभ हमारे लिए बनाइए तो तब उन्होंने बनाया तो वो हमारे भास्कराचार्य आर्यभट्ट कोई तो वराहमिहिर कोई तो वैज्ञानिक थे ढूंढना पड़ेगा
लोस्तम, क्योंकि किसने बनवाया था ये लिखा हुआ आता है इतिहास में, तो बनवाया से कोई अर्थ नहीं होता, वो किसी मुगल शासक ने बोला था कि बना दो, लेकिन असल में किसने बनाया वो तो अपने भारतीय वैज्ञानिक थे। चलो तो अब थोड़ा सा तरबूज बनाते हैं यहाँ पे, ताकि ये तरबूज कालिंगम है या कलिंगम है? कालिंगम अंशु जी, कालिंगम जो लिखा हुआ मिला है हमको संस्कृत में वो कालिंगम मिला है, तो अभी हम वही मान लेते हैं। देखो अब थोड़ा थोड़ा तरबूज जैसा लगेगा ये। नहीं नहीं लग रहा, एक स्लाइस है। हाँ, स्लाइस ही बता सकते हैं क्योंकि पूरा बना दिया तो हरा, सिर्फ हरा बनेगा। नहीं नहीं ये बहुत सही, थोड़े बीज भी बनाने पड़ेंगे। खा ले। हाँ, अब पक्का तरबूज हो जाएगा। ये करेले से ऊपर पहुंच गया। किसके ऊपर? रैंकिंग में करेले से ऊपर आ गई इसकी रैंकिंग। अच्छा ड्राइंग में। अरे ये इंस्टेंट चित्रकारी करने में बहुत आनंद आता है मुझे। और ये टूल भी वैसा है ना, यहाँ पे मैं क्योंकि नेचुरल पेन की तरह लिखता हूँ, पेन हाथ में लेके, तो बहुत फ्री हैंड में बनाना भी सरल है। ठीक है चलो, ये मतुलुंगम आपको याद है पिछली बार का? नारंगम मतुलुंगम। मरीचिका कह स्वाद अस्ति तीक्ष्ण, अरुण अरुण महोदय तीक्ष्ण मरीचिका तीक्ष्ण क्षमा क्षमा। हाँ तो हमने प्रश्नोत्तर अभी जो आरंभ किया था, तो शुभम जी ने तो अपना प्रिय फल कालिंगम और आम्रम च अस्ति आम्रम ऐसे बताया। चलिए अब आप प्रश्न कीजिए आगे, किसी से, मोहा जी से, अरुण जी से। अरे चारुलता जी भी आ गई, बहुत आनंद। स्वागतम चारुलता महोदया। नमो नमः चारुलता महोदया। नमो नमः चारुलता महोदया। चारुलता महोदया वो कहीं लगी हुई है। ठीक है चलिए, वो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप जब भी देखेंगे। हाँ चलिए शुभम जी आरंभ करो। अरुण महोदय किम फलम प्रियम प्रियम प्रियम। चलो तो अभी इस प्रश्न को हम पहले अच्छे से फलम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गलत चाहते हैं। नहीं गलत नहीं है, उनको समझ में तो आ गया कि फॉर्मेशन में थोड़ा लेट हो। तो देखो भवतः वो आगे पीछे हो गया, आगे पीछे तो कोई मुश्किल ही नहीं है संस्कृत में, कोई भी शब्द नहीं पूछा। तो अब आपका जो है आपने कहाँ पूछा? ये मिसिंग। ठीक है तो बाकी ठीक है। भवतः किम फलम फलम। अब यहाँ पे किम में भी म नहीं लग सकता क्योंकि अगला अक्षर फ है। ठीक है तो हमको किम में भी वो अनुस्वार लगाना होगा। भवतः किम फलम प्रियम प्रियम अस्ति या प्रियः अस्ति प्रियः अस्ति। ओके भवतः और अस्ति फिर से वैकल्पिक है। भवतः किम फलम प्रियम उतना भी काफी, उतना भी बहुत है। हाँ चलिए अब अच्छे से प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां नमो नमः। अभी हम आप नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः आपकी इंतजार थी सबको।
आपके प्रतीक्षा में हमारी आंखें पथरा गईं। पूरा दिन बहुत सारा काम था। मैं इधर तेलुगु पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उनका परीक्षा थी, तो परीक्षा पूरा ओरल और रिटन एग्जाम वो सब होने के बहुत रात तक बहुत देर हो गई थी। अच्छा, अस्तु अस्तु, स्वागतम स्वागतम। हाँ शुभम महोदय, प्रश्न पृच्छतु। अरुण महोदय, भवतः देखो ये उच्चारण जो है ना बिल्कुल शुद्ध रखना है आपको, अरुण महोदय, और जब मोहा जी का नाम होगा तो मोहा महोदय, या तो आ और अ, ये बिल्कुल अलग अलग पता चलना चाहिए। जी जी हाँ, चलिए अरुण महोदय, किं फलं प्रियम्? मम प्रिय फलं द्राक्षः अस्ति। द्राक्षः, द्राक्षा कुत्र अस्ति? द्राक्षा, द्राक्षा तो ड्राई फ्रूट हो गया। हाँ, नहीं तो अंगूर, अंगूर जो है उसको द्राक्षा कहते हैं संस्कृत। अपक्वः, अपक्वः द्राक्षः। अपक्वः द्राक्षः। रा रा। उत्तमम उत्तमम। अरुण महोदय। उत्तमम। अरुण महोदय। प्रश्न पृच्छतु। महोदय। इतना कहने में। महोदय मोहा जी है, महोदय आप हैं। ओके। प्रश्न पृच्छतु। राइट, मोहा महोदय, किं फलं प्रियम् अस्ति भवत्याः? महोदय, देखो अभी हम प्रश्न पहले ठीक कर फिर भूल गए। भवतः समग्र फलं प्रियमस्ति। फ को फ रहने दीजिए, हर कोई ध्यान रखो भाई। फलं थोड़ा तो सोचते हैं, फिर बोलते बोलते हम उसको फिर से फलम कर देते हैं। फलम। तो और मोहा महोदय आपने क्या उत्तर दिया? समग्र फलम। हाँ, तो समग्र फलाहा। तो यदि हमको बहुवचन करना है तो एक तो फलाहा कर सकती हैं आप, और दूसरा ये कि जब आप बोल रही हैं भवतः समग्र फलम प्री या समग्र फलाह प्रियाह संति या समग्र फलाह प्रियाह, तो अब भवतः का अर्थ तो है आपको या आपका, तो आपने तो ये बोल दिया कि अरुण जी को समग्र फल हमारा नहीं। है ना, तो आप खुद के लिए जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मामा, मामा प्रिय। हाँ, तो अब उसको दो तीन तरह से कर सकते हैं, जैसे मम प्रिय फलम कोई एक यदि है तो आप वो एक बोलेंगे, या मम प्रिय फलाह समग्र फलाह संति, तो वो वाक्य मम मतलब मेरे लिए हो जाएगा। फलानी, राइट? हाँ, फलानी। फलम का जो है फलम फले फलानी। हाँ, मम प्रिय फलानी। फलम फले फलानी, तो ये बहुवचन है। खूब सारे फल यदि बोलने हैं तो बहुवचन, ये एक वचन है।
और जो कम उपयोग में आता है वो द्विवचन है, और ये संस्कृत भाषा की विशेषता है, द्विवचन केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। और वो कई स्थानों पे काम आता है, जैसे आँखों के लिए जब हम बोलते हैं नेत्र, तो नेत्र जो है वो हमेशा दो होते हैं, वैसे ही हस्त हाथ हमारे हाथ या पैर, तो तब द्विवचन का काम आता है, जब हम अपने कई अंगों के बारे में बात करते हैं, या और भी कई जगह हैं जहाँ पे द्विवचन काम में आता है। तृतीय, चलिए तो अब हो गया अरुण महोदय का प्रश्न, मोहाजी से हो गया। भवत्या क्या होता है? भवतः, ठीक है, भवत्या ये स्त्रीलिंग, तो जैसे आपको किसी पुरुष से पूछना है कि आपका प्रियफल कौन सा है, तो भवतः किम प्रियम, पर आपका तो किसी भी मतलब जेंडर से पूछ सकते ना, ऐसा नहीं कि हिंदी में, हिंदी आपका में। तो ओके, हिंदी में आपका जो है वो जनरल है, वो हम लड़की से भी बोल सकते हैं, लड़के से भी बोल सकते हैं, और संस्कृत में भवतः और भवत्याः दोनों उपयोग अलग अलग है। जी नहीं, वही कंफ्यूजन था। हाँ, यदि आप इनफॉर्मल पूछ रहे हैं, कोई आपकी आपके ही आयु का है या आपसे छोटा है, तो आप उससे ऐसे बोल रहे हैं तुम्हारा, जो तुम करते हैं ना हम, तुम या तू जो बोलते हैं, तो जी, जी। उसके लिए संस्कृत में तव है, तव मतलब तुम्हारा। लेकिन एक सम्मान के साथ बोलना है तो फिर भवतः भवत्याः ज्यादा अच्छे है, सुरक्षित भी हैं, अच्छे भी हैं, क्योंकि जब सम्मान के साथ बोल रहे हैं तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि कोई छोटा है कि बड़ा है कि बराबर का है, सबके लिए वो चलेगा। जी हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो ऐसे जैसे मतलब प्रश्न जैसे पूछते हैं अपन, तो जैसे आपका हो गया, आपका, तुम्हारा, तुम, ये, वह, तो इनको भी मतलब एटलीस्ट ट्रांसलेट कर लेंगे तो मैक्सिमम जो अपन बातें करते हैं वो कवर हो जाएगा इसमें। हाँ, चलो, तो क्योंकि मेरे को मतलब जैसे प्रश्न भी पूछते हैं ना, जैसे अभी भवतः नहीं पता। हाँ, नहीं, अच्छी बात है ना, तो ये कर करके ही समझ में आएगा, कोई भी प्रश्न करना हो तो वो इजी हो जाएगा। हाँ, जी, उत्तम उत्तम। तो हम एक पृष्ठ लेते हैं, खाली पृष्ठ, खाली भी एक उर्दू शब्द है नवीन जी, है ना, इसका हिंदी सोचो जरा या संस्कृत। खाली, एम्प्टी, एम्प्टी को क्या है? खाली, कोरा, कोरा, कोरा कागज, वो तो खाली कागज ही होता है। हाँ, वो तो है, पर कोरा हिंदी शब्द है या उर्दू है? मेरे ख्याल से कोरा हिंदी है, खाली उर्दू है, लेकिन कोरा हिंदी होना चाहिए। ब्लैंक इंग्लिश मतलब संस्कृत ढूंढ के देखते हैं। शुष्क, रिक्त, रिक्त भी लिखा हुआ है, रिक्त, जैसे रिक्त, ब्लैंक। हाँ, रिक्त, रिक्त ही है, रिक्त है, विरेक, रिक्त पृष्ठ, रिक्त पृष्ठ। सृष्टामि, तो मैं क्रिएट करता हूँ, रिक्त पृष्ठ। सृष्टामि, हाँ, तो अभी आप चाह रहे हैं कि हम ये सब एक साथ थोड़ा से लिख लें, तो आपको जो जो लगता है आप बोलते जाइए और हम उनका लिखेंगे, भवतः या भवत्याः, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, सिर्फ फॉर्मल दोनों लिख लेंगे, क्योंकि देखो आप जब कभी पढ़ रहे होगे संस्कृत, तब तो आपको तव, त्वम ये भी पढ़ने मिलेगा जो कि इनफॉर्मल है, ठीक है।
तो भवतः और भवत्याः जो है आपका, इसमें ये पुल्लिंग है और भवत्याः स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार भवान और भवती, ये है आप। तो हमने परिचय के समय किया था, आपको स्मरण है शुभम जी, अरुण जी को तो होगा, भवतः नाम किम शुभम महोदय? महोदय आपका, हाँ, भवतः नाम किम शुभम महोदय? समाधान दीजिए। शुभम, हाँ, मम नाम शुभम। मम नाम शुभम, हाँ। तो अब मैंने आपसे क्या पूछा अभी, आपका नाम क्या है, इसलिए मैंने भवतः लगाया जी। अब यदि मुझे आपसे पूछना होता कि आप क्या कर रहे हैं, तो अब मैं भवतः नहीं लगा सकता, क्योंकि आप बोलना है मुझे, आपका नहीं बोलना। तो भवान किम करोति शुभम महोदय? भवान, और यहाँ पे उदाहरण भी लिखते जाते अभी हैं। हम कक्षा में हैं। मम, तो एक मिनट, हाँ, मैं प्रश्न लिख देता हूँ, भवान किम करोति, तब तक आप विचार कर लीजिए। करोति, किम को भी अनुस्वार लगाना पड़ेगा। नवीन महोदय, आप वो वाली कक्षा में थे, अनुस्वार वाली में? नहीं, नहीं था। तो अनुस्वार का छोटा सा नियम है। चलो, अब शुभम जी, अरुण जी या मोहन जी, आप कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, हाथ हर को किधर है आउट। जैसे स्वर और व्यंजन, हाँ, तो आप ये अनुस्वार का नियम एक मिनट के बाद बताना, पहले हम ये पूरा कर लेते हैं। तो भवान किम करोति मैंने पूछा, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी हम क्लास में है। तो अहम या वयम, देखो आप काफी सारी चीजें बोल रहे हैं। अहम यदि बोलेंगे तो मैं के लिए हो जाएगा, जो ज्यादा सरल है अभी के लिए। बाद में हम वयम भी कर सकते हैं, क्योंकि वयम मतलब हम सब, तो अहम, आवाम, वयम, वो उसके अलग रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अहम के भी, क्योंकि मैं, हम दोनों या हम सब, ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं ना, हम सब। तो वयम रक्षामः, सुना है आचार्य चतुर्सेन का? नहीं, हम रक्षा करते हैं। मेरे पास है पुस्तक, मेरे पास है, मैंने पढ़ी है। हाँ, तो अहम कक्षायाम अस्मि, यदि आपको ये बोलना है कि हम कक्षा में हैं, तो अब अस्ति जो है वो है, मतलब वो प्रथम पुरुष का उपयोग है। अस्ति स्तः संति, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, अस्ति स्तः संति अभी नहीं करते, अस्ति अस्मि, तो ये प्रथम पुरुष है, जिसको हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, फलम अस्ति, बालकः अस्ति, वृक्षः अस्ति, कक्षा अस्ति, तो मतलब मेरी कक्षा है, बालक है, वृक्ष है। अब अस्मि जो है ये उत्तम पुरुष है, जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, जो कि मैं खुद के लिए जब बोलता हूँ तब इसका उपयोग होता है। तो अहम कक्षायाम अस्मि, ठीक है, लेकिन आपको अभी अस्मि का उपयोग यदि ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप ज्यादा सरल, अधिक सरलता से क्या बोल सकते हैं कि अहम संस्कृतम पठामि, क्योंकि मेरा प्रश्न था किम करोति, तो आप क्या कर रहे हैं, तो अहम संस्कृतम पठामि या अहम संस्कृतम लिखामि। पठामि मतलब वो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप जो बोलना चाहे, अहम संस्कृतम लिखामि, पठामि,
हम संस्कृतम गच्छामि, लेकिन नहीं हो सकता। नहीं 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 वो बोल रहा हम मी ओ कुछ सीखना। अच्छा वो आमी आमी वाला जो उपयोग है। हाँ हाँ सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। अरुण और शुभम तो आ गए, मोहाजी और नवीन जी बचे। मोहाजी भी आ गए। नवीन जी मोहन मोहन ट्रैफिक में लगता है। सर्वेषां नमो नमः। हाँ तो अस्ति अस्मि ये प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया। असि असि ये है मध्यम। हम सब तुम मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन जो होता है ना आपके सामने, सेकंड पर्सन जो आपके सामने है तुम या आप। तो असि आपने सुना होगा तत्वम असि, जैसे अहम पंजाबी में बोलते हैं असि असि तुसी। हाँ वो अलग है, अभी संस्कृत में ध्यान लगा रहा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सुना है। हाँ तो उसका हाँ। जब आप पूरा करेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तो यहाँ अस्मि हो गया क्योंकि आई मेरे लिए खुद के लिए उपयोग होता है, असि जो है यू के लिए होता है तुम्हारे लिए। तो तत् त्वम असि मतलब मैं ब्रह्म हूँ और तत् त्वम असि मतलब वही तुम हो। ये जो तत् है ओके ये है चलो तो इसको हम इस पृष्ठभूमि तत्व एलिमेंट हाँ तो यहाँ पे उदाहरण रहेंगे। हाँ तो भवतः कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है ना तत्व, कैरेक्टरिस्टिक तत्व तत्व कैरेक्टरिस्टिक आप किस सेंस में उस कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स या फिर वैल्यूज? Attributes. Okay, तो यदि हम किसी मनुष्य के मूल्य की बात कर रहे हैं जैसे ह्यूमन वैल्यूज ऐसे बोलते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक यदि है तो वहां पे मूल्य हो जाता है, वो मानव मूल्य। ओके ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट वो जब हम बोलेंगे तब उसके लिए विशेषता हो सकता है, तत्व की विशेषताएं। पर तत्व खुद तो एलिमेंट है, एलिमेंट उसकी विशेषताएं हम उसके लिए दूसरे शब्द ढूंढ सकते हैं। तुम भवतः नाम किम, ये उदाहरण था भवतः का या भवत्याह का। चलिए अब हमने काफी ये लिख लिए हैं, अब अनुस्वार वाला नियम जो है अरुण जी बताने वाले थे शायद, तो अरुण जी आप प्रयास करेंगे क्योंकि नवीन जी को बताना है हमको वो नियम। अब हमें कहीं भी अहम
ऐसा अर्धा माँ आया तो उस अर्धा मीन्स हाफ माँ को लिखने के लिए हम नेक्स्ट वर्ड जो होता ना उस लिखने आप देखो अहम है ना अहम जैसा अहम वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड हम लिखते हैं उसमें फर्स्ट अक्षर व्यंजन है तो हम अनुस्वार यूज करेंगे स्वर है तो माँ है यूज करेंगे समझ आ गया अस्तु आम आम धन्यवाद अरुण महोदय बहुत ही बढ़िया बताया कि अनुस्वार जो है सिर्फ इसी स्थिति में लगेगा नवीन जी जब अगला शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है बाकी हर स्थिति में म ही लगेगा अनुस्वार नहीं लगेगा तो जैसे ये भवतः नाम किम तो अब किम के आगे तो कुछ है ही नहीं तो जब भी आखिरी शब्द भी है तो भी वो म होगा वहां पे किम अब अनुस्वार वाला किम नहीं लगा सकते ठीक है और दूसरी स्थिति है कि जब अगला अक्षर स्वर से शुरू होता है तब भी हम म का उपयोग करेंगे नियम बहुत ही संस्कृत भारती में ही मिला मुझे हाँ ये नियम संस्कृतम के लिए ही हाँ संस्कृत में ही तो लगेगा और कहाँ लगेगा हिंदी हिंदी में भी उपयोग करते हैं नहीं हिंदी में म वाले शब्द तो होते ही नहीं अहम और अम ये सब कहाँ होता है हाँ हाँ यू आर राइट अर्थ अर्थ माँ अर्थ तुम वो नहीं होता हाँ वो नहीं है तो ये सिर्फ संस्कृत के लिए है पर अच्छा हो गया हमने एक बार विचार किया था कि संस्कृत भारती में फोन करके पता लगाएंगे तो अंततः मुझे पता चल गया तो मैंने फिर अरुण जी को मोआ जी को सबको शायद अलग अलग कक्षा में सिखाया पर चलो अभी सबको समझ गया वो अच्छी बात है ठीक है तो शुभम जी आप और कौन से शब्द जानना चाहते थे देखो आपका तो हो गया भवतः और भवत्याः आप हो गया भवान भवती जी तो जब आपको आप बोलना है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ वहाँ हाँ चलो तो अत्र इसका तत्र, उसका महोदय वो ज्ञातम जाता वो हाँ, सब है ना हाँ चलो वो आप बताओ नो डोंट नो याद है आपको तो आप बताओ नहीं तो मैं बता दूंगा हाँ हाँ याद है याद है डोंट नो को हम कैसे बोलते हैं कि संस्कृत में ज्ञात ना ज्ञा होता है ना ज्ञा ज्ञात ज्ञात हाँ ज्ञानी ज्ञात अज्ञानी ना वही है ना गुरुजी कुछ रंग किया क्या मैंने हाँ नहीं ठीक है हम ऐसे मैंने जैसे अभी कुछ नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया है जैसे मैंने आपको अभी बताया कुछ और फिर बताने के बाद मैं बोलूंगा नवीन जी से जैसे अभी अनुस्वार का नियम बताया तो नवीन महोदय ज्ञातम वा तो ज्ञातम वा अर्थ है कि आपको समझा क्या या आपको मालूम है क्या तो दोनों के लिए चलेगा समझा क्या या मालूम है क्या ज्ञातम आपको यदि पता नहीं है तो ज्ञातम ना बोल दीजिए बस पता नहीं है तो पता है तो समझा नहीं जाना मी समझा नहीं तो आपको नहीं समझा यदि हेलो तो, हाँ तब पता आप, नहीं वो पता नहीं के लिए ना जाना मी हाँ तो दोनों उपयोग कर सकते हैं ज्ञातम न भी चलेगा और न जाना मी ज्यादा सही है उस जगह पे जब पता नहीं है आपको बोलना है तो न जाना मी या ज्ञातम न वो भी चलेगा ज्ञातम न इज आई डोंट रिमेम्बर हाँ मुझे नहीं समझा या मुझे नहीं याद आया लेकिन न जाना मी ज्यादा अच्छा होगा आई डोंट नो के लिए आई डोंट अंडरस्टैंड तो ये अंडरस्टैंड यदि बीच में टपक पड़ा तब फिर ज्ञातम न ज्यादा सही है
और जस्ट नोइंग वाला उपयोग है यदि आई डोंट नो, तो न जाना भी ज्यादा सही है. तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जानामी और ज्ञातम. जानामी इज नोइंग एंड ज्ञातम इज अंडरस्टैंडिंग. तो थोड़ा सा अंतर है. अस्तु महोदय. देखो अब एतत् से जुड़ा हुआ एक और शब्द है. पहले हम तत् का ही उपयोग कर लें. ज्ञातामि इज नोइंग. क्षम्यता मुझे ठीक करना है. तो रिमेम्बर्स के लिए स्मरति. स्मरम. स्मरम. हाँ तो स्मरामि. स्मरामि. हम स्मरण करते हैं, याद कर रहे हैं. हाँ ओके. स्मरम है ना. I don't remember. तो ये तीनों अलग अलग उपयोग. स्मरामी या स्मरति ये रिमेम्बर के लिए है. ये जानामी इज नोइंग के लिए एंड ज्ञातम इज अंडरस्टैंडिंग. तो थोड़ा थोड़ा उपयोग अलग अलग है. जिसकी जब आवश्यकता पड़े आप उपयोग कर सकते हैं. और यदि याद ना आए तो जानामी जो है फिर भी चलेगा बाकी उपयोगों के लिए भी. क्योंकि यदि मैं बोलता हूँ अहम जानामि तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है. तो मैंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि मुझे समझता है या मुझे सिर्फ मालूम है. तो ये आप अंडरस्टूड मान सकते कि यदि मुझे पता है तो फिर मुझे समझता भी है और मुझे याद भी है. करेक्ट. तो जानामि जो है ना इसका उपयोग अधिक होगा जब भी आपको याद नहीं आ रहा कि स्मरामी. हाँ यदि स्मरण वाला शब्द याद नहीं आ रहा या ज्ञातम वाला शब्द नहीं याद आ रहा तो जानामी बोल दीजिए तो उतना भी काफी है. जानामी इज लाइक अ यूनिवर्सल वर्ड फॉर ऑल दीज थ्री. अंडरस्टैंडिंग नोइंग एंड रिमेम्बरिंग तीनों में चलेगा वो. है ना नवीन जी. अच्छा उपयोग मिला ये जानामी का. मोहा महोदय कहाँ गई. उनको सर्दी हो रही है शायद इसलिए आवाज कम निकल रही. नहीं नहीं गले में शायद कुछ मुश्किल है उनका. है ना मोहा महोदय. जैसे यहाँ और हाँ बोलिए बोलिए. वातावरण तो बहुत यहाँ और वहाँ लिखा है तो यह और वह के लिए भी अलग है या. हाँ हाँ अभी वही मैं बताने वाला था. एतत् और तत् तो यह और वह. okay. एतत् तो उसका अभी वाक्य हम बना ही रहे थे कि चलो यहाँ पे पहले चित्र देखते हैं. तत्कलिंगम. तत्कालिंगम किम स्वादः अस्ति. शुभम महोदय. मधुरम स्वाद अस्ति. हाँ तो अब देखो आप पूरा वाक्य बोल के देखो एक बार तब ताकि आपका वो तत् का उपयोग भी होगा. तो और एक क्या बोलते हैं इसको विभक्ति नहीं टेक्निक को क्या बोलते हैं. तकनीक. संस्कृत भारती में क्या सिखा रहा है जब इसको मुझे वीडियो टर्न ऑन करना पड़ेगा. तो जब ये शब्द यूज कर रहे हैं संस्कृत बहुत एक्सप्रेसिव भाषा है तो यू हैव टू यूज योर बॉडी ऑल्सो व्हेन दैट्स व्हाट दे सेइंग. सो They said that when you are saying that point towards the other side kahin and say aur. Kahin aur. At least while learning, when you are learning, if you do that actions, to muscle memory ke saath wo bhi jaldi yaad rah jayega, baith jayega.
आप काली मुंह से बोल रहे हैं जी। चलो तो फिर सब लोग अपना वीडियो चालू करो सो दैट हम लोग देख भी पाएंगे। अभी मैं इसलिए बंद किया था क्योंकि कभी ऐसा लगा मुझे कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो दिख रहा। चलो आज शुभम जी के दर्शन भी हो गए। नमो नमः शुभम जी। नमः। अरुण जी के दर्शन हमको ग्रुप में हुए हैं पर यहाँ पे शायद उनके अभी मुश्किल है, कैमरा थोड़ा क्लैरिटी कम है इसीलिए। एतत किम नाइट में तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता इसलिए। अच्छा अच्छा तो चलो उत्तमम। तो चिंता मास्तु। एतत किम अरुण महोदय महोदय मम जवनिका पश्यतीवा पश्यसीवा पच्छामि पच्छामि महोदय एतत किम पश्यामि पश्यामि पच्छामि नहीं पच्छामि पश्यामि 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 तत् तत् जवनिका पच्छामि जवनिका नहीं यवनिका। हाँ दोनों उपयोग हैं ये मैंने अभी अभी पढ़ा। दोनों है वो मैंने अभी अभी पढ़ा कि ये भी चलता है और ज भी चलता है। ओके ओके यवनिका भी चलता है एक्चुअल जवनिका। एक्चुअल जवनिका बोले तो खिड़की का वो स्क्रीन है ना। हाँ पर्दा कर्टन। पर्दा हाँ पर्दा कर्टन स्क्रीन स्क्रीन तो अब वो स्क्रीन जो है एक्स्ट्रापोलेट हो गए कंप्यूटर स्क्रीन भी हो गए। ओके हाँ चलो अरुण महोदय एतत एतत किम मम चलचित्रम। हाँ पुस्तकम उत्तमम उत्तमम। तो देखो जब मेरे हाथ के डिस्टेंस के अंदर हाथ बताइए तत पुस्तकम। हाँ महोदय हाँ तत पुस्तकम तो आप ऐसे पॉइंट करेंगे अपनी उंगली तो वो उससे याद भी होगा कि तत हम कब बोलते हैं और एतत कब बोलते हैं। एतत मतलब ये जो हमारे हाथ के अंदर है जो यह और ये जो हम बोलते हैं उसी प्रकार जो दूर की चीजें हैं जो हमारे हाथ की दूरी से ज्यादा दूर है तो वो वह हो जाएगा। तो यदि पुस्तक ऐसी कहीं बहुत दूर होती मैं पीछे अभी दिखा रहा हूँ तो मैं बोलता तत किम लेकिन अभी ये पास में है तो मैं बोलूंगा एतत किम। तो वह और यह का अंतर है जी। और ये मैं बार बार दिखाते रहता हूँ क्योंकि आप संस्कृत भारती से जब भी कुछ भी ऑर्डर करें तो ये संस्कृतम वदतु तो चार पांच ले लो क्योंकि ये 5-5 रुपए की आती है इतने और इतनी बढ़िया पुस्तक है किसी को भी गिफ्ट करो या अपने पास भी रखो। इसमें कम से कम 500 से भी ज्यादा जो आम भाषा में उपयोग होते हैं ऐसे वाक्य हैं शब्द हैं बहुत बढ़िया है। मतलब सिर्फ शब्द नहीं है पूरे पूरे वाक्य हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए के लिए क्या बोलते हैं आप क्षम्यताम। हाँ दोनों चलेगा क्षम्यताम मतलब जब कई सारे लोग हैं तो क्षम्यताम और आप यदि अकेले हैं और एक ही किसी से बोल रहे हैं तो क्षमस्व। तो किससे बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा अंतर हो जाता है पर एक भी याद रखेंगे क्षमस्व याद रखेंगे तो भी चलेगा। धीरे धीरे आपको क्षम्यताम क्षमस्व दोनों में अंतर करना और दोनों का अलग अलग उपयोग करना भी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम उपयोग करते हैं कक्षा के अंदर। चलो तो ये अच्छा व्यायाम के लिए व्यायाम बोले तो हम सब तो वो सब बोलने के लिए कैसे बोलते हैं हम सब। एक मिनट तो वो सब लिए एक पृष्ठ हम जोड़ते हैं। अच्छा नहीं चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं। बहुत दिन से वो प्रश्न है मगर अब तक सॉल्यूशन नहीं मिला वो सब कैसे बताता हूँ ये सब वो सब हम सब और वो सब दिम 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 रेफर करने के लिए ना।
सभी तो देखो दे हर दे अहम आवाम वयम ठीक है तो अहम एक वचन द्वितीय ये एक वचन है आवाम द्वितीय लिखा वह ये द्विवचन है द्वितीय नहीं है द्वितीय विभक्ति के समय आती है ये वचन है ये द्विवचन तो अहम वदामि मतलब मैं बोलता हूँ आवाम लिखा वह हम दोनों लिखते हैं तो मैं दोनों हर में अलग अलग उदाहरण उपयोग कर रहा हूँ ताकि आपको नए शब्द भी पता चलेंगे और वयम रक्षामः तो ये तो आचार्य चतुर्सेन का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास भी है बहुत बढ़िया उपन्यास है मेरे ख्याल से ये मत्स्यगंधा के ऊपर है क्या महोदय वयम रक्षामः या शकुंतला के ऊपर शकुंतला है आपका बहुत लंबा चौड़ा चले गया ऑडियो कुछ पता नहीं समझ में नहीं अच्छा अच्छा लगता है आपने पूछा इसके स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं अच्छा मैं बोल रहा था कि वयम रक्षामः कुछ मत्स्यगंधा कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल से थोड़ा सा सुनाई दिया हाँ मैं बोल रहा था कि वयम रक्षामः जो उपन्यास है वो शकुंतला के ऊपर है कि मत्स्यगंधा के ऊपर है मुझे याद आ रहा है कि वो कोई बहुत मेजर ऐतिहासिक चरित्र के ऊपर है शकुंतला तो ज्यादा सुना है दूसरा मैंने सुना ही नहीं नहीं मोहा जी के पास वो उपन्यास है भी मेरे पास भी है पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कि वो किसके ऊपर लिखा गया है सीता जी हैं कि शकुंतला है कि मत्स्यगंधा है कि द्रौपदी है कि पार्वती पार्वती जी हैं मेरे ख्याल से शकुंतला या मत्स्यगंधा दोनों में से कोई है मत्स्यगंधा जी कौन थे मत्स्यगंधा ऋषि पराशर की पत्नी थी मतलब एक बहुत सुंदर कन्या थी जो क्या बोलते हैं गंधर्व कन्या थी और ऋषि पराशर ने बाद में उनसे विवाह किया था मत्स्यगंधा भी बहुत प्रसिद्ध चरित्र है अपने इतिहास में महाभारत के उसमें आपको मिलेगा मत्स्यगंधा और उसको एक शायद श्राप था या कुछ किसी ऋषि ने बताया बोला हुआ था कि तुम्हारे से हमेशा मछली की गंध आएगी तो इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था बचपन से ओके मत्स्यगंधा और वो नदी या समुद्र के तट पे रहते थे वो लोग उनका पूरा परिवार जो है नदी किनारे ऐसे रहता था और बाद में ऋषि पराशर से मिली जब वो और उन्होंने उनसे विवाह किया उसके बाद उनकी मत्स्यगंधा जो वाली गंध थी ऋषि पराशर ने उनको वरदान दिया तो वो फिर वो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी उनसे और ऐसा कुछ भी वरदान था कि अब तुम जहां भी रहोगे वहां से एक दो किलोमीटर दूर तक भी वो खुशबू आएगी तुम्हारी अच्छी कहानी है पढ़ सकते हो पर ये वयम रक्षामः में है कि नहीं मुझे नहीं पता वयम रक्षामः मुआ जी बता सकती हैं अभी मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि किसके ऊपर मत्स्यगंधा का कथा तो आप सही बताए वो वयम रक्षामः नहीं जैसे मैंने है कि नहीं पता नहीं महाभारत जैसे नॉर्मल अपने टीवी में जो दिखाते हैं वो पूरी देखी थी पर मत्स्यगंधा का कोई मतलब उसमें नहीं बताया था नहीं नहीं महाभारत में तो महारानी सत्यवती जो थी उनके पास गंध आती थी सत्यवती तो मत्स्यगंधा है हाँ सत्यवती ही तो मत्स्यगंधा सत्यवती करेक्ट अच्छा बोला आपने महोदया ने याद दिला दिया कि मत्स्यगंधा का बाद में जब वो अच्छा नॉर्मल हो जाती है मतलब वो गंधा वो पराशर जी की पत्नी नहीं थी मैं ये कह रही हूँ कि वो पराशर जी की पत्नी नहीं थी ना पत्नी नहीं वो एक कहानी थोड़ी अलग है पत्नी नहीं थी मतलब पराशर जी क्या हुआ था कि पराशर ऋषि उनपे मोहित हो गए थे और उन्होंने अपने जैसे होता है ना जैसे कुंती के जो सूर्य पुत्र कर्ण हुए तो अब सूर्य पुत्र की सूर्य की पत्नी नहीं थी कुंती लेकिन उनके उनका स्मरण करने से उनके वरदान से कर्ण हुए थे हाँ तो वो जब नौका में थे तब उन्होंने वरदान दिया था हाँ
तो वैसे ही पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा का विवाह हुआ था शांतनु जी से। हाँ, तो पराशर जी ने मत्स्यगंधा को वरदान दिया और उनका एक पुत्र भी हुआ जो उनके तेज से हुआ। जस्ट वो नौका पार कर आ रही थी और उतने देर में ही पराशर जी ने उनको ऋषि पराशर ने उनको आशीर्वाद दिया। उनका पुत्र का नाम क्या था? दुर्वासा जी, ऋषि दुर्वासा। पराशर के पुत्र दुर्वासा थे क्या? हाँ, क्योंकि ये भाई थे, मतलब दुर्वासा महर्षि। ये बाद में बताया गया था कि इस प्रकार फिर आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इट वाज इन द सेम ब्लड लाइन। जब उन्होंने उनको बुलाया था और फिर आगे मतलब वंश चलाने के लिए अंबिका और अंबालिका। अंबिका अंबालिका, हाँ वो तो बाद में, पर हाँ समझ गया, अभी मुझे ध्यान में आ गया। तो दुर्वासा जी के मानस पुत्र। तो इसी प्रकार दुर्वासा जो है मत्स्यगंधा और पराशर जी के मानस पुत्र हैं, समझ लो उस तरह से। और बाद में वो सत्यवती बन गई, मतलब जब उनकी वो गंध चली गई तो वही सत्यवती बन गई वरदान के बाद। चलो, तो अब नवीन जी ने जो प्रश्न शुरू किया था, हम आवाम वयम, तो ये है हम, एक मिनट, हम नहीं, मैं, हिंदी में लिखूं तो चलेगा ना आपको अरुण जी और नवीन जी? हाँ महोदय, हाँ महोदय, यस चलो। तो मैं महोदय और हम दोनों, ये आवाम है और वयम हम सब। आवाम, ठीक है, तो ये पहला उपयोग। इसके बाद त्वम, युवाम, युयम, तो तुम दोनों और तुम सब। तो त्वम वदसि, युवाम वदथः, यूयम् वदथ। इसको हमेशा ध्यान में रखना है संस्कृत में हमको, कि जब भी हम किसी अक्षर, किसी शब्द के अंत में महाप्राण वाले अक्षर यदि हैं, जैसे यहाँ थ है या कहीं कहीं ह होता है, तो उसको पूरी तरह उच्चारण करना है। हाँ, विसर्ग। तो हम वदथ नहीं कह सकते, इसको वदथ पूरा का पूरा बोलना होगा। थ को पूरा अकारांत अलग से सुनाई आना चाहिए, अकारांत जो है पूर्ण, पूर्ण उच्चारण, पूर्ण। तो अब ये है तुम, तुम दोनों, तुम सब और तुम सब। जैसे अभी अहम वदामि, यूयम पठथ, तो आप सब अभी पढ़ रहे हैं, तुम सब अभी पढ़ रहे हो कक्षा में। यूयम पठथ, फिर क्या पठथ? क्या बोले शुभम जी? नहीं, वदत मतलब पठन, नहीं पठा था, तो बोलने का नहीं है वो, तो पढ़ने का है पठा था। देखो वदत मतलब बोलना, तो हाँ। अभी मैं लिखता जा रहा हूँ जो तुम वदसी मतलब तुम बोलते हो, युवाम वदथ मतलब तुम दोनों बोलते हो, और युयम वदथ मतलब तुम सब बोलते हो। तो अब हम तो कोई भी क्रिया वहां पे उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वह पे, जो नवीन जी का
प्रश्न था शुरू में, वह तो वो सह है, सह तौ ते, तो सह वदति मतलब वो बोलता है, तौ तौ के साथ हम तो ये तो पुल्लिंग का हो गया, तो लिंग भेद है इसमें तौ, हाँ लिंग भेद इसमें आएगा। हाँ तो लिंग भेद के बिना पदम पदान पदम नहीं है। हाँ इसमें उनके लिए नहीं, पर हाँ, देखो उसमें क्रिया में अंतर नहीं आता, सिर्फ जो सर्वनाम है उसमें अंतर है। तो ये जो वह है वो सर्वनाम है ना। तो तौ सह वदति, तौ वदतः या पठतः, और ते पठन्ति तो वे लोग पढ़ते हैं, तो ये बहुवचन है। वदति पठतः पठन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसका थोड़ा सा रंग बदल देते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये रंग दिख रहा है क्या? अब जो लोग मोबाइल पे होंगे उनको शायद थोड़ी मुश्किल होगी इसको देखने में, पर कंप्यूटर पे तो दिखेगा आराम से। हाँ येलो येलो दिख रहा है। हाँ चलो अब दिख रहा है। हाँ अभी मैंने उसको थोड़ा गाढ़ा भी कर दिया तो अब अच्छा है, दिख रहा है। हाँ चलो, तो अब ये तो हमारी तालिका जो है नारंगम कलर यूज, नारंगम रंग। हाँ नारंगम भी कर सकते हैं, पीत वर्ण मम प्रिय वर्ण अस्ति। तो जो पहला वर्ण मैं उठाता हूँ कहीं से भी, तो वो पहला कहीं से भी अपने आप पीत वर्ण ही हाथ में आता है। चलो तो सह वदति तौ पठत, सह तौ ते, तो इसके पीछे कुछ कारण? पीला तो बिल्कुल सुपर ब्राइट, सुपर पॉजिटिव, सुपर एनर्जाइजिंग रंग होता है। नहीं हाँ वही हाइलाइटिंग के लिए ज्यादातर वही यूज करते हैं। हाँ तो हाइलाइटिंग के लिए मैं तो खैर सारे हाइलाइट नियॉन कलर्स उपयोग करता हूँ, पीला नारंगम और फिर हरित, हरित नियॉन टाइप का भी आता है एक, हरित वर्णम नियॉन में, और नीला भी आता है, पिंक पाटल वर्ण भी आता है, गुलाबी, सब नियॉन कलर। तो हाइलाइटिंग के लिए तो मैं सभी उपयोग करता हूँ, पर हाँ पीला, पीला इज पीला। नोबल ग्रेजुएशन, नोबल है। सूर्य का रंग भी है। हाँ तो चलो, तो नवीन जी आपको उत्तर मिला या अभी कुछ और भी है इसमें आपका प्रश्न? नहीं ये तो पता था, ते एते नहीं ते ताहा साते ताहा, ये स्त्रीलिंग है। हाँ साते ता, ये पुल्लिंग में सहतौते होगा और स्त्रीलिंग में साते ताहा, बाकी क्रिया सेम, क्रिया वही की वही रहेगी। तो ताह पठंती, ते पठतः या सावद, तानी तत तानी, तो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। हाँ वो नपुंसक लिंग के लिए तत ते, वो तो पता, ये तो पता था, मगर मैं सोच रहा था बिना लिंग भेद के कुछ शब्द है क्या, बिना लिंग भेद के नपुंसक लिंग में होगा, बाकी तो आपको लिंग उपयोग आएगा ही ना। जैसे जाना भी तो तानी, तानी बोल सकते हैं क्या? तो बंच ऑफ पीपल के लिए नहीं बोल सकते हैं ना? हाँ क्योंकि नहीं, देखो यदि एक से अधिक लोग हैं तब आप उसको यदि मिक्स्ड है, मतलब पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, मिक्स्ड है, हाँ तब मिक्स्ड है, हाँ तब ते चलता है।
ते चलता है ओके ओके वही वही मुझे समझना था हाँ ते चल ते बटन थी जी चलो अच्छा प्रश्न था पर मैं अब समझा मुझे कि आप क्यों पूछ रहे थे यदि मिक्स्ड है तब क्या उपयोग होगा हाँ हाँ चलो तो अब 8:20 हो रहा है तो दे इज आई थिंक द इंग्लिश वर्ड दे इज फ्रॉम ते ओनली हाँ तो इंग्लिश में तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे बहुत सारे हैं मुझे अभी तक तो मात्र है फादर पितर ओ मैं 100 वर्ड्स तक आपने कहीं लिखा भी है हाँ आपने एक बार बताया था मुझे तो ये भी लिखना है दे ते दे देखो एक्चुअली जो इंग्लिश ज्यादा जानते नहीं वो ते बोलते क्या बोल रहे थे अरुण जी नहीं ते स्पेलिंग है ना THEY दे है ना वो ते जैसा रीड करते सम लोग हाँ सम पीपल हाँ एक्चुअली हाँ. जिसको मतलब द वाला जो साउंड है बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता हाँ, वो वैसे भी ते ही बोलता है कि ते ही तो वो अनजाने में संस्कृत में सही शब्द बोल देता है अच्छी बात है तो अष्ट सार्ध अष्टवादनम वजति 8:20 अष्टः सार्ध अष्टवादनम मतलब 8:30 8:30 हाँ तो उसके लिए भी थोड़ा समय है हाँ नहीं तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट समय बोलूंगा तब कितना अभी 8:25 जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो पंचविंशाधिक अष्टवादनम तो जो अष्टवादनम है वो 8 बजे और 8 के ऊपर कितना है वो हमको उसका जो संख्या है अभी जैसे 8:25 में मान रहा हूँ 25 जी तो पंचविंशति तो ये 25 है पंचविंशति विंशति है ना ये संख्या है पंच अभी संख्या वाली आपने कक्षा शायद नहीं की है लेकिन आप वो पुराने वीडियोस देख लीजिए जो मैंने उसकी प्लेलिस्ट में फिर से डाल दूंगा आपको लिंक में तो पहले के वीडियोस देखिए तो आपको उसमें संख्याएं आएंगी हमने पूरी 1 से लेके 100 तक कर ली है ठीक है और 1 से 10 तक समझ में आ गया फिर उसके नहीं 10 तक समझ में आ गया तो फिर आगे की आप पूरी 100 तक और फिर आगे की भी बना सकते हैं वो बनाना सरल हो जाता है पर अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि पंचविंशति तो संख्या है अब 8:25 यदि बोलना है तो हम क्या बोलेंगे पंचविंशाधिक मतलब अधिक वो 8 से ऊपर है ना तो पंचविंशाधिक अष्टवादनम वो समय है पंचविंशाधिक विंशाधिक अष्टवादनम तो ये उपयोग कर सकते हैं आचार्य महोदय आपको चैट में भेज रहा हूँ आप बताने के लिए इधर जा सकते हैं और उसको वो घड़ी को घुमा सकते हैं आपके माउस के पॉइंटर पर सबको पूछ लो आप कितना अच्छा हाँ ये बढ़िया है हाँ वो यू कैन मूव यू कैन क्लिक ऑन द मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड एंड यू कैन आस्क कितना अच्छा। समय हुआ कहा समय अरुण महोदय हाँ। पंचविंशाधिक अष्टवादनम पंचविंशति अधिक अष्टवादने
ठीक है, अभी हम थोड़ा पर संख्या वाला आपने शायद नहीं किया है इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, और मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैं अभी से आपका टेस्ट नहीं, अभी से आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला समय और संख्या वाला आपने किया ही नहीं है। तो एक बार वो वीडियो देखिए पहले का, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर सरल हो जाएगा। अभी हम ये क्या है, कह समय अष्टवादनम्। नमो नमः शुभम जी। नमो नमः अंशु जी। नमो नमः। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः नवीन जी, नवीन महोदय। महोदय तो स्त्रीलिंग के लिए महोदया दीर्घ देना चाहिए। मोहा महोदया जी, और पुल्लिंग के लिए बस दीर्घ नहीं रहना चाहिए। शुभ महोदय तो कह समय सर्वेषां अष्टवादनम्। नमो नमः। अभी कह समय अष्टवादनम्। कह समय महोदय अष्टवादनम्। अष्टवादने महोदय। वादनम् इदानीम्। इदानीम् कः समयः? इदानीम् अष्टवादनम् महोदय। इदानीम् सप्तवादनम्। सप्तवादनम्। इदानीम् सार्ध अष्टवादनः। सार्ध अष्टवादनः। सार्ध अर्ध सुना है ना, अर्ध, हम इसलिए हिंदी में साढ़े आठ बोलते हैं, जो अर्ध है उसी से साढ़े संस्कृत में सार्ध बना, तो सा मतलब उसके साथ में, सार्ध मतलब आधे के साथ, आठ वादनम, तो इसलिए सार्ध अष्टवादनम। चलिए अब समय का हम बाद में करेंगे, फिर से हम एक परीक्षा कर लेंगे अगली बार, अगली कक्षा में, तो आपको थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा, और यदि आपने तब तक वो वीडियो देख लिए पहले वाले संख्या और समय वाले, तो आपको और अच्छे से हो जाएगा, और नहीं तो परीक्षा के समय तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग बोल बोल के और कर करके ही करते हैं, तो हम करवा देंगे। चिंता मास्तु। कक्षा समाप्तम करोमि। शुभरात्रि सर्वेषां। नमो नमः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः महामहोत्सव। शुभं महोदय। पुनर्मिलामः नवीन महोदय। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। देखो पुनर्मिलामः के लिए भी आप सर्वेषां पुनर्मिलामः कह सकते हैं। सर्वेषां पुनर्मिलामः। उत्तमम्।